किसी भी क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन करना है उसका फॉर्मेट वक्रे वीडियो विच दिता गया है। इस तो वक्रे वीडियो विच तीन चार लाइन एप्लीकेशन के फॉर्म विच लिखना है जिस विच तुहाडा सैट का नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जिहड़ी तुहानू करैक्ट लगती है उस तो इलावा यूनिवर्सिटी की ऑप्शन जो नॉट करैक्ट लगती है रोंग लगती है वो लिखनी है। उस तो बाद नीचे पेस्ट कर देना है जिहड़ा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल जो ये क्वेश्चन है इससे ऑब्जेक्शन मैं तुहानू दे रहा हाँ जस्टिफिकेशन दे रहा हाँ तुसीं इस नूं लैके पेस्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स के दिता होएगा तुसी कॉपी पेस्ट ही करना जां एडिट भी कर सकते हो। क्वेश्चन पेस्ट आ जाएगा ए टीचर इंटेंड टू प्रमोट अ मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट ही शुड फोकस ऑन डिवेलपिंग ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट किहदे विच नहीं करेगा। इन्होंने उत्तर दिता है बी ओके हाउ टू ए नहीं असी सिखावांगे कि स्ट्रेस नाल डील किद्दां करना है अपने आप विच। जो मैं ग्राउंड थ्योरी का है वह तुहानू लिख के जो दिते हुए ने वो नीचे दिखा दिंदा हाँ। वैसे राइट आंसर जो बनता है कि अवॉयड करना नहीं दसांगे। तुसीं लिख सकते हो कि सानू टीचर नू टीचर ने स्टूडेंट नू ये सिखाना है कि लाइफ विच स्ट्रेस नू फेस करना ते डील करना ते उस चो निकलना कितना है जां उस चो भजना सिखावांगे। सिंपल आंसर मिल रहा है पर तुसी की लिखना है वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह डिफाइन किया है स्ट्रेस नू ओ लिखा है एदे विच। उस तो इलावा मेन चीज़ है कि इसनू नैचुरल ह्यूमन रिस्पोंस क्या है ना। जे नैचुरल ह्यूमन रिस्पोंस है इट मीनस सारे नू हुंदी है। यह लिखिया यह WHO दीआं लाइनां हन एवरी वन एक्सपीरियंस स्ट्रेस टू सम डिग्री। जे सारे फेस करते ने तो भज कि सकते ने है ना। सो इट इज़ बिलीव जनरली बिलीव दैट द परसन हु इज इफेक्टिवली फेस एंड डील विद स्ट्रेस कैन बी कंसिडर्ड मोर मेंटली हेल्दी दैन समवन हु अवॉयड स्ट्रेस ऑल टूगैदर। उस दे लॉजिक दिते ने नीचे पंजाबी विच भी होएगा। देखो जेडे फेस करते हैं जेडे डील करते हैं स्ट्रेस नाल वो मेंटली ज़्यादा हेल्दी है ये पॉइंट दिते ने। उस तो बाद रिसर्च की कहती है वह भी दसिया है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस इज इनएविटेबल मतलब स्ट्रेस नैचुरल पार्ट है एवरी वन एक्सपीरियंस स्ट्रेस एट सम पॉइंट एंड अवॉयडिंग स्ट्रेस अलोंग टूगैदर नीयरली इम्पॉसिबल इन लाइफ। कोई इनू अवॉयड नहीं पूरी तरह कर सकता ये रियलिटी है। तो असं कि कह सकते हाँ कि एजुकेशन टीचर क्लासरूम से यह सिखावे कि अवॉयड कि करनी है किते किते अवॉयड करन दे हो सकते हैं कि वह स्टिमुलस सामने ना लिया जाए फिल्ड विद वेरियस चैलेंजेस एंड काम कोपिंग स्किल पीपल हु फेस एक कंपैरिजन है उन्हें दो ऑप्शन का जेडे दो ऑप्शन का कॉन्ट्रडिक्शन है। जेडे फेस करते ने स्ट्रैस नू ते डील करते ने स्ट्रैस नू ओ उन्हां दे विच कोपिंग स्किल्स ते रेजिलेंसी ज़्यादा डिवेलप हो जाती है। रेजिलेंसी की है कि स्ट्रैस विच जदों गए दुख विच गए तो वापस कितनी देर बाद वापस आ गए जिहड़ी लास्ट ऑप्शन सी वह भी इस डिवेलप हो रही है। कोपिंग स्किल के स्ट्रैस मैनेजमेंट स्ट्रैस नू डील किदा करना है स्ट्रैस तो जिहड़ा है मैनेज स्ट्रैस मैनेजमेंट जिसनों कह दें वो किवें करना है दे लर्न जे जिन्हें आ सिखाया जाता है फेस करनी है स्ट्रैस तो डील करनी है। दे लर्न टू मैनेज देयर इमोशंस फाइंड सल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम एंड अडैप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन विच लीड टू ए बैटर मैंटल आउटकम ये जस्टिफिकेशन है दूसरी। तीसरी है ग्रोथ एंड लर्नर वैन फेसिंग स्ट्रैस जिहड़ा बच्चा फेस करता है स्ट्रैस नू इंडिविजुअल हैव द ऑपरचुनिटी टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस उसनू अपने एक्सपीरियंस तो लर्न करन दी ओपरचुनिटी मिलती है। जिहड़ा फेस नहीं करता उसनू ओपरचुनिटी नहीं मिलती टू ग्रो एज ए परसन इन दिस परसनल ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट टू इंप्रूव द मैंटल हैल्थ एंड इमोशनल हैल्थ। सो जिहड़ा फेस करता है वह लर्न करता है उसकी मैंटल हैल्थ होर इंप्रूव होंगी है। अवॉयडेंस कैन बी अनहैल्थी ये उस जिहड़ा आंसर सही दिता है उसके उल्ट जो है जस्टिफिकेशन है कि जे तुसीं अवॉयड करते हो स्ट्रैस नूं ये अनहैल्दी है दैट कैन लीड टू द सप्रैशन इट मीनस तुसीं अपने इमोशन नूं दबा रहे हैं भज रहे हैं अपने आप तो भज रहे हैं। डिवेलपमेंट ऑफ हैल्दी कोपिंग मैकेनिज़म सज मतलब फिर असीं किधर जाने हैं सबस्टांस अब्यूज ड्रिंकिंग वल इमोशनल विदड्रॉ है ना डिप्रैशन ये वालिया चीज़ा वो बैड मैंटल हैल्थ की निशानी है। सेंस ऑफ कंट्रोल जेडे स्ट्रैस नू फेस करते हैं डील करते हैं उन्होंने सेंस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होंगी है और जेडे नहीं करते फेस घट करते भजते हैं उन्होंने सेंस ऑफ कंट्रोल जी है घट होंगी है और मैंटल हैल्थ का इस नाल सीधा संबंध है। अवॉयडिंग स्ट्रैस दे की है कुछ रिसर्च स्टडीज़ सुजैसट कर दिया हाँ कि जेडे लोग अवॉयड करते हैं स्ट्रैस नू शॉर्ट टर्म लिए अच्छा हो सकता है
रिसर्च कह रही है शॉर्ट टर्म रिड्यूसिंग एंड इमीडिएट उन्होंने बेनीफिट हो सकता है। ये नैचुरली जो मैं पहला दस्सिया सी पेशेंटली ठीक है क्योंकि मैं काउंसलर हाँ, पेशेंट नूं मैं भी सुजैसट करना है कि तुसी ए वाली फीयर वाली सिचुएशन च नहीं जाना, ये डर वाली सिचुएशन नहीं, इहदी गल नहीं करनी। घरदिया नूं जाके कहिदा है कि इहनां दे नाल ये वाली गल नहीं करनी जिन्हां तों ये डरे हुए ने, जिन्हां नाल घटना घटी हुई है। सो उत्थे उह पेशेंट है, नॉर्मल नाल नहीं, है ना। इहदा मतलब उत्थे उह वीक है, असीं तां स्ट्रोंग बनाना है। पीपल हू एक्टिवली अवॉयड स्ट्रैसफुल सिचुएशन मे एक्सपीरियंस लोअर स्ट्रैस लैवल इन शॉर्ट टर्म विच कैन बी बेनीफिशियल फॉर सर्टन हैल्थ आउटकम, है ना। ये भी मैं दसती जी साढ़े विरुद्ध जाती है, पर कहते शॉर्ट टर्म लिए थोड़ी देर लिए उन्हों का फायदा हो सकता है। पर फेसिंग इन्हें रिसर्च जी हुई है वो एक कह रही है, सर्च इंडिकेट दैट हू इफेक्टिवली कोप विद स्ट्रैस मे एक्सपीरियंस ग्रेटर लोंग टर्म मैंटल हैल्थ। सो लोंग टर्म रिसर्च कह रही है लोंग टर्म मैंटल हैल्थ, दैट इज़ वाई आवर आंसर इज़ राइट ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की द क्वेश्चन सही होना चाहिए है। दोज हू कॉन्फ्रंट मैनेज स्ट्रैस टेंड टू डिवेलप बैटर कोपिंग स्किल। देखो जेडे फेस करते हैं उन्होंने होर की फायदे होंगे यार, बैटर कोपिंग स्किल लीडिंग टू इनक्रीज रेजिलेंस एंड इंप्रूवड मैंटल वैलबींग इन टाइम, है ना। सो दूसरिया परसनल ग्रोथ, इमोशनल इंटैलीजेंस, बैटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उन्हें बैटर होंगे हैं। पंजाबी विच फॉन्ट की मेरी प्रॉब्लम आ गई, काफ़ी देर सॉल्व नहीं हुई, तो माफ़ी मंगता है। सेम चीज़ पंजाबी विच भी लिखी हुई है, नीचे तुहानू लिखी हुई डिस्क्रिप्टिव बॉक्स विच ये मिल जाएगी। ओके, फॉन्ट केड़ा है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज तुसीं इंग्लिश विच लिख सकते हो। सो ये एक क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन सी, जस्टिफिकेशन सी, एविडेंस सी। थैंक यू।